नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर रखी थी। इस फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग यूनिट थर्ड स्टार्ट कर रखी थी। यूनिट थर्ड में जो मैं आपको स्टडी करवा रही थी वो स्पेक्ट्रोस्कोपी था। बीएससी थर्ड ईयर की हम जो यूनिट थर्ड स्टडी कर रहे थे और यूनिट थर्ड है स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम तीन मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करेंगे, जिसमें अभी तक हमने पहले इसका जनरल इंट्रोडक्शन स्टडी कर लिया था। उसके बाद हमने जो पढ़ा था वो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी कर लिया था। कंप्लीट स्टडी हो गई माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी की। अभी जो चल रही है वो आपकी चल रही है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम वाइब्रेशनल, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, ठीक है। इसमें भी हमने बहुत सारे टॉपिक कर लिए। पहले इसका इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट कर लिया किसे कहा जाता है, कौन से रीजन में स्पेक्ट्रा आता है, सब कुछ डिफाइन करवा दिया। उसके बाद हमने कंडीशन पढ़ी थी, कंडीशन फॉर आईआर स्पेक्ट्रा। इस आईआर स्पेक्ट्रा की कंडीशंस मैंने दो बताई थी आप लोगों को। दो कंडीशंस बताई थी जिसमें यह कहा था कि न्यू वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो है वो रोटेशन रेडिएशंस फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी, तो ही मॉलिक्यूल क्या है इन रेडिएशंस को अब्सॉर्ब करेगा, यही बताई थी। दूसरा क्या कहा था, डाइपोल मूवमेंट चेंज होना चाहिए। डाइपोल मूवमेंट चेंज होना चाहिए, यही बताया था। ये डाइपोल मूवमेंट डायरेक्शन में भी चेंज हो सकता है और इसके मैग्नीट्यूड में भी चेंज हो सकता है या दोनों में हो सकता है, ठीक है। उसके हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे, कौन कौन आईआर एक्टिव होगा और कौन कौन आईआर इनएक्टिव होगा, इस तरीके के मॉलिक्यूल्स भी हमने स्टडी किए थे। उसके बाद हमने जो स्टडी किया था थर्ड पॉइंट वो किया था हमने मोड्स और नॉर्मल मोड्स, वाइब्रेशनल मोड्स जो थे वो दो बताए थे मैंने आपको, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग। स्ट्रेचिंग को फिर से क्लासिफाई किया गया था दो पार्ट में, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, और मैंने अच्छे से डिफाइन करके बता दिए थे किसको सिमेट्रिक कहते हैं और किसको नहीं कहते हैं। बेंडिंग को फिर से हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, इने प्लेन और आउट ऑफ प्लेन, और उसके बाद प्लेन में कौन से थे और आउट ऑफ प्लेन कौन से थे वो भी मैंने आपको डिफाइन कर दिए थे एक एक की डेफिनेशंस। उसके बाद हम जो स्टडी कर रहे थे लास्ट टॉपिक वो था सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। इस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल हम कंप्लीट पढ़ चुके थे। इस मॉडल में ये माना कि इनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो चेंज हो सकती है। ये जो बॉन्ड लगा हुआ है ये स्प्रिंग की तरह होता है। जब स्प्रिंग की तरह है मींस इसमें जो है वो आगे और पीछे हम कर सकते हैं, तन्यता है इसमें, तो इस ये स्प्रिंग की तरह होगा तो इसकी बॉन्ड जो चेंज होंगे उसके कारण
क्या जब बॉन्ड चेंज हो रहे हैं तो उसके कारण जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट हुक्स लो को फॉलो करेगा। मीन्स यहाँ पे हमने किस क्या पढ़ा था, हुक्स लो पढ़ा था। और हुक्स लो क्या कहता है कि प्रत्यानयन जो बल लगाया है आपने, रिस्टोरिंग फोर्स लगाया है, हिंदी में उसको प्रत्यानयन बल कहा और इंग्लिश में उसको रिस्टोरिंग फोर्स कहा। ये रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है एफ, ये विस्थापन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, विस्थापन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट काम में लिया था जिसको हमने क्या कहा था, के फोर्स कांस्टेंट, बल नियतांक कहा था। और ये माइनस साइन ये बता रहा है कि एफ की डायरेक्शन और डेल एक्स की डायरेक्शन अपोजिट है, रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शंस दोनों अपोजिट है। यहां तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद इस हुक्स लॉ को यूज करते हुए हमने इसके लिए वाइब्रेशनल एनर्जी निकाली थी, किसके लिए, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल की वाइब्रेशनल एनर्जी निकाली थी ईवी, और वैल्यू क्या थी बेटा, वी प्लस हाफ एच न्यू, वैल्यू क्या थी, वी प्लस हाफ एच न्यू। उसके बाद हमने इन एनर्जी लेवल्स की स्टडी की थी, डिफरेंट डिफरेंट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स पे कितनी एनर्जी होगी वो स्टडी की, और हमने ये कहा कि आर इक्विलिब्रियम से डिस्टेंस इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, दोनों ही केस में हमारा मॉलिक्यूल जो है वो अनस्टेबल फॉर्म में चला जाएगा। जब अनस्टेबल फॉर्म में जाएगा तो उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और हमने एक एनर्जी डायग्राम बनाया था किस किस के बीच में, एक ग्राफ खींचा था किसके बीच में, एनर्जी और बॉन्ड लेंथ के बीच में, बॉन्ड लेंथ आर और एनर्जी के बीच में, और कुछ ग्राफ इस तरीके से मिला था। वो ये जो डिस्टेंस थी हमने इसको आर इक्विलिब्रियम बोला था, और सबसे कम एनर्जी जो है वो आर इक्विलिब्रियम की ही होती है। जैसे जैसे इस आर इक्विलिब्रियम से डिस्टेंस बढ़ी, आर इक्विलिब्रियम से इधर डिस्टेंस बढ़ रही है और इधर कम हो रही है, बढ़ रही है तो भी एनर्जी इंक्रीज हो रही है और कम हो रही है तो भी एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल वी इक्वल टू जीरो है, ये वी इक्वल टू वन है, ये V इक्वल टू टू है, और हर एक के बीच में हमने एनर्जी गैप देखा, और वो एनर्जी गैप जो था वो क्या था, H न्यू, क्या था, H न्यू। मीन्स सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल के अंदर जो एनर्जी गैप होते हैं वो सेम होते हैं, और उनकी वैल्यू जो होती है वो एच न्यू होती है। दो कर्मागत वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच एनर्जी का डिफरेंस जो है वो क्या होता है बेटा, कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू क्या होती है, एच न्यू, किसके लिए, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। यहां तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने जो है वो इस के की वैल्यू फाइंड आउट की थी फॉर्मूले से, और पूरा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल जो है वो कंप्लीट कर लिया था। अब आज जो मैं पढ़ाने वाली हूँ वो अनहार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल पढ़ाऊंगी। क्या पढ़ाऊंगी मैं आप लोगों को, नया टॉपिक अनहार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की कुछ कमियां रह गई थी। क्या कमी रही थी कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो ये एनर्जी गैप है ये इक्वल है, लेकिन जब एक्चुअली हमें जो हमने एनर्जी और बॉन्ड लेंथ के बीच में जो ग्राफ खींचा, ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच जो ग्राफ बना, उसमें ये कहा कि जैसे जैसे वी की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, ये जो एनर्जी इनके बीच की जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम होता जाता है।
हायर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स पे एनर्जी का गैप जो है वो कम होता जाता है। ये वैल्यू जो है वो एच न्यू ने रह के उससे कुछ कम मिलती है। कहाँ पे? हायर वाइब्रेशनल लेवल्स पे। हायर वाइब्रेशनल लेवल्स पे, लोअर वाइब्रेशनल लेवल्स पे तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह। लेकिन जैसे ही हमने वाइब्रेशनल लेवल्स बढ़ा दिए तो ये जो एनर्जी गैप है ये इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो कम होती हुई चली जाएगी। इसके लिए एक नया मॉडल काम में लिया जिसको कहा अनहार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल। और इसमें ये जो गैप है एनर्जी गैप ये कम क्यों होता है उसका रीजन बताया कि हायर एनर्जी लेवल्स के ऊपर मॉलिक्यूल्स की आर इक्विलिब्रियम से डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्या बढ़ गई? बहुत ज्यादा बढ़ेगी। जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ी तो फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है या हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। इस फोर्स की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाती है। ध्यान से सुनना, हायर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के ऊपर मॉलिक्यूल्स के दोनों एटम्स के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मीन्स विस्थापन जो है डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। जब बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा तो फोर्स जो है वो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा और उसकी वैल्यू जो है वो जीरो के इक्वल हो जाएगी। आ गया यहां समझ में? इसलिए इनके लिए जो ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो फॉलो ही नहीं कर रहा है, किसको? हुक्स लॉ को। इसलिए यहाँ पे जो एनर्जी गैप है वो कम आते हैं। इस एनर्जी गैप को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले मोर्स ने इसको डिफाइन किया था। पीएम मोर्स ने इसको डिफाइन किया था और उन्होंने इस एनर्जी गैप को डिफाइन करने के लिए एक एक्सपोनेंशियल काम में लिया। क्या काम में लिया? एक एक्सपोनेंशियल, और जिसको पोटेंशियल एनर्जी कहा, वी। इस पोटेंशियल एनर्जी को मोर्स ने निकाला था इसलिए ये मोर्स पोटेंशियल एनर्जी कहलाई। क्या कहलाएगी? वी। क्या है? मोर्स पोटेंशियल एनर्जी। क्या है ये वी? मोर्स पोटेंशियल एनर्जी। और इसकी वैल्यू जो निकाली वो थी डी 1 माइनस एक्सपोनेंशियली बी आर इक्विलिब्रियम माइनस आर और इन सब का होल स्क्वायर। वी क्या था? मोर्स पोटेंशियल एनर्जी। किसने निकाली थी इसको? मोर्स ने निकाली थी। क्यों निकाली थी? क्योंकि वाइब्रेशनल एनर्जी, हायर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स पे एनर्जी दोनों वाइब्रेशंस लेवल के बीच की जो एनर्जी गैप है वो एच न्यू के इक्वल नहीं होता है, उससे कम होता है। उसको डिफाइन करने के लिए इन्होंने एक एक्सपोनेंशियल यूज किया और उसको कहा मोर्स पोटेंशियल एनर्जी। उसकी वैल्यू वी इक्वल टू क्या थी? डी 1 माइनस ई की पावर बी आर इक्विलिब्रियम माइनस आर और इन सब का होल स्क्वायर। ये वैल्यू थी। यहाँ पे डी डिसोसिएशन एनर्जी है, वियोजन ऊर्जा है। डी क्या है? डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन एनर्जी, वियोजन ऊर्जा। बी क्या है? कांस्टेंट है। बी क्या है? कांस्टेंट। बी एक कांस्टेंट है जो मॉलिक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है जो बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करती है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। बी की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। यहां तक आ गया समझ में? इस पोटेंशियल एनर्जी का यूज करते हुए अनहार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल की श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को सोल्व किया। ध्यान से सुनना,
इस पोटेंशियल एनर्जी का यूज करते हुए अनहार्मोनिक ओसुलेटर मॉडल की कौन सी श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को सोल्व किया, और उस श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को सोल्व करके जो पोटेंशियल वाइब्रेशनल एनर्जी निकल के आई ईवी, उसकी वैल्यू है वी प्लस हाफ एच न्यू माइनस वी प्लस हाफ का होल स्क्वायर एच न्यू ए। ए क्या है? अनहार्मोनिक कांस्टेंट। ए क्या है? अनहार्मोनिक कांस्टेंट। यहां तक की चीजें समझ में आई? दोबारा सुन लो, हार्मोनिक ऑसिलेटर में वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में जो गैप होता है वो बेटा इक्वल होता है। धीरे धीरे हायर, जब हायर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स पे गए तो ये पता चला कि इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो इक्वल नहीं होता है, एच न्यू से कम होता है। एच न्यू से क्या होता है? कम होता है। इसके लिए ये कम क्यों होता है उसका रीजन ये बताया कि हायर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच जब जाते हैं तो इनके बीच मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच की ये जो डिस्टेंस थी ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। जब ज़्यादा इंक्रीज होगी तो ये फोर्स जो है, जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, मीन्स ये हुक्स लो को फॉलो नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? हुक्स लो को फॉलो नहीं करेगा। हुक्स लो को फॉलो नहीं करेगा तो इनकी एनर्जी जो ईवी की वैल्यू है वो भी हुक्स लो के अकॉर्डिंग नहीं निकल के आएगी। उसके लिए सबसे पहले पीएम मोर्स ने एक जो वियोजन दिया, एक डिसोसिएशन एक्सपोनेंशियल काम में लिया और वो उस एक्सपोनेंशियल की वैल्यू जो निकाली गई उसको पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में बताया, v इक्वल टू डी वन माइनस ई की पावर बी आर इक्विलिब्रियम आर और इस पूरे का होल स्क्वायर। आर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पोजिशंस पे उनके बीच की डिस्टेंस है, दोनों एटम्स के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है और आर उन एटम्स की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। दोनों एटम्स, दो डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो ए और बी। आर इक्विलिब्रियम तो इक्विलिब्रियम पोजिशंस पे इनके बीच की डिस्टेंस है और आर जो है वो किसी भी कंडीशंस में इनके बीच की डिस्टेंस है। चलो आगे, यहां तक। इस पोटेंशियल एनर्जी का यूज करते हुए अनहार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल की श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को सोल्व किया गया और एनर्जी निकाली गई, वाइब्रेशनल एनर्जी। उस वाइब्रेशनल एनर्जी की वैल्यू क्या आई? वी प्लस हाफ एच न्यू माइनस वी प्लस हाफ की होल स्क्वायर एच न्यू ए। ए क्या है? अनहार्मोनिक कॉन्स्टेंट। यहां तक की चीजें आपको पता होनी चाहिए, किसमें? अनहार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल में। अब हम इसका पढ़ेंगे सिलेक्शन रूल। आपको केवल यहां पे दो ही इक्वेशन ध्यान में रखनी है, किस किस की? एक तो मोर्स पोटेंशियल एनर्जी की और एक अनहार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल की वाइब्रेशनल एनर्जी की। मीन्स आपको जो अनहार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल में जो ध्यान रखना है वो क्या याद रखना है? एक तो v की वैल्यू याद रखनी है, d 1 माइनस एक्सपोनेंशियल b r इक्विलिब्रियम माइनस r और इन सब की होल स्क्वायर, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आप लिख दोगे, थ्योरेटिकल पार्ट है। और एक आपको ev याद रखना है, ये क्या है? v प्लस हाफ एच न्यू, ये तो क्या है? हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, माइनस में v प्लस हाफ का होल स्क्वायर करना है। क्योंकि हमने देखो रिजिड और नॉन रिजिड, नॉन रिजिड में भी यहाँ पे स्क्वायर किया था, ध्यान रखना। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? इसका स्क्वायर हो रहा है एच न्यू और ए। ए क्या है? अनहार्मोनिक कॉन्स्टेंट है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, बाकी तो थ्योरेटिकल पार्ट है, आप लिख दोगे उसमें। अब आता है इसके लिए सिलेक्शन रूल। देखो, आपने हार्मोनिक ऑसिलेटर का सिलेक्शन रूल पढ़ा था
और वहां पे आपने कहा था डेल वी इक्वल टू प्लस माइनस वन, जहां पे हम प्लस वाला काम में लेते हैं क्योंकि हमारा जो स्पेक्ट्रा लेते हैं वो हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा लिया जाता है, इसलिए डेल वी इक्वल टू प्लस वन सिलेक्शन रूल काम में लिया जाता है। किसके लिए? हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। लेकिन अब हम किसका पढ़ रहे हैं? अनहार्मोनिक ऑसिलेटर का। तो ध्यान रखना, अनहार्मोनिक ऑसिलेटर के सिलेक्शन रूल क्या कहता है कि डेल वी की वैल्यू प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, अप टू सो ऑन कुछ भी हो सकती है। अब देखो इनके अकॉर्डिंग हम वो कर रहे हैं, मैं बता रही हूं आपको कि पीक्स किस किस को क्या कहेंगे। तो देखो, जब आपका डेल वी प्लस वन हो, मीन्स जो ट्रांजिशंस हो रहे हैं वो कहां से हो? जीरो से वन वाले केस में हो। याद रखना, लोअर वाइब्रेशनल लेवल तो क्या है? जीरो, और अपर क्या है? वन। मीन्स कहां से जा रहा है? जीरो वाइब्रेशनल लेवल से वन में जाता है, जीरो से वन में ट्रांजिशंस हो रहे हैं। इस टाइम जो पीक्स आती हैं उनको हम फंडामेंटल पीक्स कहते हैं, या जो है फंडामेंटल बैंड कहा जाता है। ये कब आती हैं? रूम टेम्परेचर पे। कब आएंगी ये? रूम टेम्परेचर पे। क्यों आएंगी? क्योंकि रूम टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल है, वो लोअर एनर्जी लेवल्स में रहता है। जब लोअर एनर्जी लेवल्स कौन सा है इसका? जीरो। तो लोअर एनर्जी लेवल्स में रहेगा तो क्या रहेंगे? सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स रहेंगे। पॉपुलेशन लोअर एनर्जी लेवल्स में ज्यादा, तो पॉपुलेशन ज्यादा तो इस बैंड की इंटेंसिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्योंकि मैंने आपको इंटेंसिटी पढ़ाई थी और मैंने ये कहा था कि इंटेंसिटी जो है वो पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स वहां पे प्रेजेंट होंगे, उस स्पेक्ट्रा की इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो जीरो से वन में जाने वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। तो यहाँ पे इंटेंसिटी भी क्या होगी? इसकी ज्यादा होगी। और इस पीक को क्या कहा जाएगा? फंडामेंटल बैंड। इस बैंड की एनर्जी हम कल निकालेंगे जब मैं आपको इनकी एनर्जी गैप करवाऊंगी तब, ठीक है? आप तो ध्यान रखना, फंडामेंटल बैंड किसे कहा जाता है? जब वो जीरो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से वन वाले वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल पे ट्रांजिशंस होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? फंडामेंटल बैंड कहा जाता है। इसकी इंटेंसिटी जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। इस बैंड की इंटेंसिटी जो होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है। कब? जब हम रूम टेम्परेचर की बात करें। मैक्सिमम होगी कब? जब हम रूम टेम्परेचर की बात करेंगे। यहां तक आ गया समझ में? अब चलो आगे। ये भी तो हो सकता है कि ये जो है वो जीरो से टू वाले में ट्रांजिशंस हो। तो यहां पे सिलेक्शन रूल क्या हो गया? डेल वी प्लस टू। यहां पे सिलेक्शन रूल क्या हो गया? डेल वी प्लस टू। कहां जा रहा है? जीरो से टू में जा रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? फर्स्ट ओवरटोन बैंड। क्या नाम होगा इसका? फर्स्ट ओवरटोन बैंड। किसको कहेंगे? जीरो से टू वाले में ट्रांजिशंस हो। डेल वी प्लस थ्री। प्लस थ्री कब होगा? जब वी जीरो से किस में जाए? थ्री में। तो क्या कहेंगे इसको? सेकंड ओवर टोन बैंड कहेंगे। जब सिलेक्शन रूल वी इक्वल टू प्लस फोर हो, मीन्स वी इक्वल टू जीरो से किस में जा रहा है? फोर में। तो क्या कहलाएगा? थर्ड ओवरटोन बैंड कहलाएगा। ये चीजें समझ में आई? अब यदि आपका मॉलिक्यूल हायर टेम्परेचर पे है, ध्यान से सुनना, अब यदि मॉलिक्यूल आपका हायर टेम्परेचर पे, इन सब की इंटेंसिटी जो है वो कम है, इनकी बात करें तो इनकी इंटेंसिटी जो है वो कम है। जैसे जैसे ओवरटोन बैंड का ये वाला नंबर बढ़ता जाएगा, इंटेंसिटी और भी कम होती जाएगी। चलो आगे। अब हम बात कर रहे हैं हायर टेम्परेचर की।
हायर टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल जो होता है वो वी इक्वल टू वन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल पे होगा। कौन से वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल पे होगा? वन पे। तो यहां पे जो ट्रांजिशंस होंगे वो वन से टू में भी हो सकते हैं, टू थ्री फोर फाइव किसी में भी हो सकते हैं। इस बैंड को कहा जाता है हॉट बैंड। याद रखने का ये क्या है, हॉट बैंड को याद रखने का क्या तरीका है कि कॉन्सेप्ट पे मिलता है हमें हायर टेम्परेचर पे। जब मैं इसको टेम्परेचर ज्यादा दूंगी तो क्या होगा, एनर्जी मिल गई उस टेम्परेचर से, तो ये क्या होगा, ऑलरेडी ही अपर वाइब्रेशनल लेवल पे रहेगा। तो वो कहां से जा रहा है, वन से, किसी में भी जाए, फिर प्रमोट होके टू में जाए, थ्री में जाए, फोर में जाए, फाइव में जाए, किसी में भी जाए, हर एक को क्या कहेंगे हम, हॉट बैंड। हॉट बैंड तभी मिलेगा जब वाइब्रेशनल वन वाले लेवल से टू थ्री फोर फाइव किसी में भी प्रमोट होके जा रहा है तो हमें हॉट बैंड मिलेगा। जब जीरो से वन वाले उसमें जा रहा है तो फंडामेंटल बैंड मिलेगा। जब जीरो से प्रमोट होके वन पे जाता है तो फंडामेंटल बैंड मिलता है। ये जो है इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो कम होती है। मॉलिक्यूल जब जीरो से टू पे जाएगा तो फर्स्ट ओवरटोन बैंड कहलाएगा, जीरो से थ्री में जाएगा तो सेकंड ओवरटोन बैंड कहलाएगा, जीरो से फोर में जाएगा थर्ड ओवरटोन बैंड कहलाएगा। इस तरीके से मींस इनको क्या कहा जाता है, ओवरटोन बैंड। ओवरटोन बैंड कब मिलते हैं, जब डेल वी ग्रेटर देन वन को, इसी कंडीशन में मिल रहे हैं हमें ओवरटोन बैंड। कब मिल रहे हैं, जब डेल वी ग्रेटर देन वन हो। यहाँ पे प्लस टू, यहाँ पे प्लस थ्री, यहाँ पे प्लस फोर, और उसके लिए कंडीशन क्या है, जो लेवल कौन सा, लो लेवल जो है वो कौन सा है, वी इक्वल टू जीरो, हायर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हॉट बैंड की कंडीशन क्या है कि जब डेल वी जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू वन हो, लेकिन वी जो लोअर लेवल है वो क्या है, वन है। और फंडामेंटल बैंड कब मिल रहा है हमें, जब जीरो से वन में जा रहे हैं, और डेल वी इनके लिए क्या है, प्लस वन है। याद हो गया, हमें तीन तरीके के बैंड मिलते हैं यहाँ पे, कौन कौन से, हॉट बैंड, फंडामेंटल बैंड और ओवरटोन बैंड। हॉट बैंड हायर टेम्परेचर पे मिलता है जब हमारा जो ट्रांजिशंस है वो वन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से टू थ्री फोर फाइव किसी भी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में जा सकता है, उससे जो बैंड मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, हॉट बैंड कहेंगे। उसके बाद यदि हमारा जो ट्रांजिशंस है वो रूम टेम्परेचर पे हो रहा है तो ये जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांजिशंस होता है ये जीरो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से वन वाले वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में होगा तो फंडामेंटल पीक्स मिलेंगी, और जीरो से टू थ्री फोर फाइव किसी में भी होगा तो ओवरटोन बैंड मिलेंगी, ध्यान रहेगा। इसके बाद कल हम इनकी ओवरटोन बैंड की एनर्जी डिफरेंस भी करेंगे, हॉट बैंड की एनर्जी डिफरेंस भी करेंगे और फंडामेंटल बैंड की एनर्जी डिफरेंस भी करेंगे कि फंडामेंटल बैंड में कितना एनर्जी रिक्वायर होगा। एनर्जी डिफरेंस का मतलब समझ में आ गया, ई एक बार हम जीरो वाले का ई जीरो निकालेंगे और एक बार ई वन निकालेंगे और फिर उनके बीच में डिफरेंस निकालेंगे डेल ई, कहाँ से कहाँ तक, ई वन से ई जीरो वाली, और वो आपकी इस इक्वेशंस में रख के पुट करके ये एनर्जी निकल जाएगी, किसकी, फंडामेंटल बैंड की, कि फंडामेंटल बैंड को कितनी एनर्जी रिक्वायर है वो निकल जाएगी। ऐसे ही हम इन ओवरटोन बैंड्स की एनर्जी निकाल लेंगे और ऐसे ही हम इस हॉट बैंड की एनर्जी निकाल लेंगे। आपको तो क्या क्या ध्यान रखना है, सिलेक्शन रूल क्या है इसका, डेल वी इक्वल टू प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री कुछ भी हो सकता है। जब प्लस माइनस वन की बात करें तो यदि ये जो है वो जीरो से वन में जाता है तो फंडामेंटल बैंड मिल रहा है, और उसके बाद यदि इनके डेल वी कुछ भी हो सकता है, टू थ्री फोर फाइव कुछ भी हो सकता है, वहां पे हमें ओवरटोन बैंड मिलता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, कहाँ से जा रहा है ये, जीरो एनर्जी लेवल से जा रहा है।
और हॉट बैंड कब मिलता है, कहां से जाएगा, वन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से, किसी में भी प्रमोट होके जा रहा है तो हॉट बैंड मिलता है। कल की क्लास में हम इनकी एनर्जी गैप्स करेंगे सबके, हॉट बैंड के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर है, फंडामेंटल बैंड के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर है और ओवरटोन बैंड के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर है। थैंक यू।